भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कल ईडी ने फिर छापे मारे हैं। रायपुर में एक कार से 1,80,00,000 रुपए और भिलाई में ड्राइवर के घर से 5 करोड़ से कैश ज्यादा मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि महादेव ऐप सट्टा से जुड़ा हुआ पैसा है, जिसके तार मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में इस पैसे का उपयोग होना था, मुख्यमंत्री इसका जवाब दें। छत्तीसगढ़ में कल ईडी ने फिर छापे मारे हैं और छापे मारकर छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक कार से 1,80,00,000 रुपए बरामद होते हैं, जो कोरियर सर्विस से हवाले के जरिए आया था। उसके निशानदेही पर भिलाई में छापा मारा जाता है, जहां एक ड्राइवर असीम दत्ता के यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा का कैश मिलता है और जमीन के कागजात भी मिलते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ पैसा है। ये संयुक्त अरब अमीरात से हवाला के जरिए ये पैसा आया था और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, ये पैसे का उपयोग चुनाव में होना था और कहीं न कहीं महादेव सट्टा ऐप के तार मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिवालय ये जवाब दे कि सीआरपीएफ के पेटियों में पैसे नहीं आ रहे, यूएई से हवाले से पैसा आ रहा है। ये पैसा किसका है, कौन सी पार्टी के खर्च के लिए आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री इसका जवाब दें और सीआरपीएफ से माफी मांगे।